आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जब डिवीजन के लिए, मतलब जो डेरिवेटिव है मींस हमको डिफरेंशिएशन फॉर डिवीजन। तो d बाय डी एक्स ऑफ, अगर फंक्शन एक एफ एक्स है और अपॉन जी एक्स है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी एक्स को एज इट इज रखते हैं और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं माइनस। नेक्स्ट एफ एक्स को एज इट इज रखते हैं, जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दिया होता है जिसे हम जी एक्स कह रहे हैं यहाँ पे, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला वी विल यूज टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में sec x गिवन है। सबसे पहले वी नो कि sec x जो है रेसिप्रोकल है cos x का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम लेट कर ले पूरे फंक्शन को y के इक्वल, तो लेट y इज इक्वल टू sec x को लिख दीजिए 1 अपॉन cos x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos x प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम इसमें LCM लेंगे। LCM लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस cos x अपॉन cos x, उस cos x से ही cos x कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस cos x, दोनों cos x से cos x कैंसिल हो गया। अब इसको हम एफ एक्स और इसको जी एक्स लेके फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, जब पहले केस में 1 प्लस cos x ऐसे ही रहेगा और वी हैव टू डिफरेंशिएट 1 माइनस cos x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट माइनस, अब केस में क्या होगा, 1 माइनस cos x एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा b, मतलब नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर का 1 प्लस cos x का डैश, डैश मीन्स dy by dx निकाल, d by dx, ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ अब हम न्यूमरेटर पार्ट को डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो देखिए dy by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, माइनस का साइन हो ही जाए cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिला साइन x ओनली। फिर माइनस, इसको ऐसे ही रखिए 1 माइनस cos x को, अब 1 प्लस cos x में 1 का 0 हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x। नाउ डिनोमिनेटर में इसको 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर ही लिखते हैं, अभी इसको ओपन नहीं करते, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ ओपन कर लेंगे न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करके, सबसे पहले साइन x का 1 से होगा तो साइन x, फिर साइन x का cos से, cos x से होगा तो साइन x इंटू cos x। अब यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करते चलते, माइनस साइन एक्स इंटू 1, माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन एक्स, फिर यहाँ पे आइए तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस, तो माइनस का साइन एक्स कॉज एक्स। एक चीज तो क्लियर है कि न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों साइन एक्स एड ऑन हो जाएंगे, तो 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये 1 कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों सिमिलर टर्म है, सो वी कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से कॉस एक्स को सेक एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, हम वी कैन राइट 2 साइन एक्स एज इट इज रहेगा अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको हम ब्रेक करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे cos x का 1 अपॉन sec x, लेकिन होल स्क्वायर तो ही, अब ब्रैकेट के अंदर LCM ले लेंगे, तो 2 sin x अपॉन यहां हो जाएगा sec x को, जब आप LCM लेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 की जगह पे sec x प्लस 1, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लीजिए, कैसे, 2 sin x एज इट इज रहेगा अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन sec स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा इनटू sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो फाइनली ये sin x है, sec है, sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos, तो आप थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, 2 इनटू sin x को एज इट इज लिखते, 2 sec x है ना, 1 sec x को एज इट इज लिखते हैं, 1 sec x को हम ब्रेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे,
वन अपॉन कॉस एक्स में, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास ये है ही सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या बोलते हैं, टेन एक्स बोलते हैं, इट मीन्स वी कैन राइट इट टू सेक एक्स, तो एक ये वाला है साथ में आ गया टेन एक्स, और अपॉन में वन डिजोल्व हो जाएगा इसी में, अपॉन में आ गया सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सो गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें आंसर मिला टू सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।